नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न हिंदी निबंध उद्भव और विकास को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले कक्षा में भी हम ये प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये समय घर बैठकर खूब मेहनत करने का है। डीएवी कॉलेज चीका का यही प्रयास है कि सभी विद्यार्थी घर बैठकर ई लर्निंग माध्यम से दोबारा से इन प्रश्नों को दोहराएं और खूब मेहनत करें ताकि उनके परीक्षा परिणाम में अच्छे अंक आएं। अब हम बात करते हैं हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक निबंधों के माध्यम से लिख रहे थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधा निधि इत्यादि महत्वपूर्ण थी। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे, उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। अधिकतर विद्वानों ने श्री सदा सुखलाल को ही हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है और उनका निबंध सुरासुर निर्णय हिंदी का प्रथम निबंध माना गया। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी निबंध के विकास क्रम को हम चार भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला युग भारतेंदु युग, सन 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा युग द्विवेदी युग, सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा जो युग था वो था शुक्ल युग, सन 1920 से 1940 ईस्वी तक। उसके बाद शुक्लोत्तर युग, 1940 ईस्वी के बाद, यानी कि 1940 ईस्वी के उपरांत का जो समय था उसको शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग को लेकर। भारतेंदु युग में मुख्य निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। इन निबंधकारों ने अपने निबंधों के माध्यम से इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, खोज, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित, व्यंग्य विनोद इत्यादि सब कुछ विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। इन निबंधकारों ने अपने निबंधों के माध्यम से अंग्रेजी सभ्यता का विरोध करते हुए तत्कालीन रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध अपने निबंधों के माध्यम से किया गया है और यही कारण है कि इस युग का निबंध साहित्य विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। भारतेंदु जी के यदि हम निबंधों की बात करें, उनकी निबंध विषय एवं शैली दोनों दृष्टियों से विविधतापूर्ण कहे जा सकते हैं। उन्होंने भी इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर अपने निबंधों की रचना की है। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट की। इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया और वर्णात्मक, भावात्मक और विचारोत्तेजक निबंधों की रचना की। इसके बाद पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम आता है, वो भी इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया और मनोरंजक एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों की उन्होंने रचना की। इसके बाद श्री बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने आनंद कादंबनी नामक
पत्रिका के ये संपादक थे और भारतेंदु जी के मित्र थे। इनके निबंधों की भाषा में आलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। सभी जगह पर इनके निबंधों में इन गुणों को देखा जा सकता है। इसके बाद नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया। इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए लिखे। यमपुर की यात्रा निबंध में उन्होंने गोदान पर करारा प्रहार किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता को देखा जा सकता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कार पूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग के यदि हम सर्वश्रेष्ठ निबंधकार की बात करें तो भारतेंदु जी भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्विवेदी युग की। हिंदी निबंध के विकास के रूप में हम यदि दूसरे सोपान की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर उसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी में संभाला और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिमार्जित स्वरूप इन्होंने लेखकों के सामने प्रस्तुत किया। आचार्य द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी के निबंध रसग रंजन नाम से प्रकाशित हुए। इनके प्रसिद्ध निबंधों की यदि हम बात करें, कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इस युग के यदि हम अन्य निबंधकारों की बात करें, माधव प्रसाद मिश्र का नाम आता है जिन्होंने माधव मिश्र निबंध माला नाम से अपने निबंधों का संग्रह प्रकाशित करवाया। बाबू श्याम सुंदरदास का नाम आता है, इन्होंने भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य इत्यादि विषयों पर अपने निबंध लिखे। इसके बाद पंडित पद्म सिंह शर्मा का नाम आता है, इन्होंने पद्म प्राग प्रबंध मंजरी नाम से अपने निबंधों की रचना की। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम बात करें इस युग के निबंधकारों में, तो नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जिन्होंने गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव जैसे प्रसिद्ध निबंधों की रचना की। इसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन इत्यादि प्रसिद्ध निबंधों की उन्होंने रचना की। प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकारों की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषय की खोज की है। हास्य व्यंग्य के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है।
इस युग के निबंधकारों में भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग देखा जा सकता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी हम बात करते हैं शुक्ल युग की। शुक्ल युग के निबंधकारों में सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं, उन्होंने हिंदी निबंध साहित्य को एक नया आयाम दिया। इनके निबंधों में निबंध कला के सभी गुणों को देखा जा सकता है। शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार और हम कह सकते हैं हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय भी देखा जा सकता है। इनके प्रमुख निबंधों की यदि हम बात करें, उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा भक्ति, क्रोध, तुलसी का भक्ति मार्ग, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद इत्यादि इन्होंने प्रमुख निबंधों की रचना की। भाषा की दृष्टि से उनके निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जा सकता है। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में विषयानुकूल सभी शैलियों का प्रयोग किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के बारे में कहा है कि वस्तुतः शुक्ल जी के निबंधों में वे सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित है। शुक्ल जी की शैली में भी सभी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की जो मौलिकता उसमें है, किंतु वे उनके छिछलेपन से दूर है। द्विवेदी युग की सी विचारात्मकता उसमें है, किंतु वैसी सुषकता का उसमें अभाव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुक्ल जी के निबंधों में परिष्कृत प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इस युग के अन्य निबंधकारों की यदि हम बात करें, तो उनमें बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवीर सिंह इत्यादि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। बाबू गुलाब राय के निबंध हैं, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों। इसी प्रकार बख्शी जी के निबंध हैं कुछ, दूसरा इनका निबंध है पंचपात्र। इन निबंध संग्रहों में इनके निबंध संकलित हैं। इसी प्रकार शांति प्रिय द्विवेदी की यदि हम बात करें, तो उनके निबंध संकलन में कौन कौन से उनके निबंध संकलन हैं, वो हैं कवि और काव्य, और जो दूसरा है वो है साहित्य की। इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भाव प्रधान निबंधों की रचना की, उनमें भी जो है हम गंभीर चिंतन को देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो शुक्ल युग था वो हिंदी निबंध के विकास के सवर्ण युग को भी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी निबंध का सवर्ण युग है वो शुक्ल युग है। इस युग में निबंधों का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ, साथ ही उसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी आई। ये निबंध मनोवैज्ञानिक, साहित्य, संस्कृति, इतिहास सभी विषयों को अपनी परिधि में सम्मिलित किए हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था शुक्ल युग। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्लोत्तर युग की। सन 1940 ईस्वी के बाद का जो समय था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को एक नया आयाम दिया, ये हम बात कर चुके हैं। लेकिन इनके बाद जो निबंधकार आए, उनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेव वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, डॉक्टर देवराज, कुबेरनाथ राय। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि में अपने निबंध संकलित किए। आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी द्वारा प्रकाशित यदि हम निबंध संग्रहों की बात करते हैं तो उनमें कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितरक उल्लेखनीय है। इसी प्रकार शांति प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षक के रूप में भी जान सकते हैं, इन्होंने समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने संचारिणी, युग और साहित्य, धरातल, आधार, साकल्य, वृंत और विकास इत्यादि प्रमुख निबंध संग्रहों की रचना की। और उसके बाद हिंदी के यदि हम प्रसिद्ध कवि की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने भी निबंध लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और साहित्य इनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। इसी प्रकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और साहित्य इत्यादि विषयों पर अपने निबंध संकलनों की रचना की। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र, जो शुक्लोत्तर युग के एक महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं, इन्होंने विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण विषयों पर अपने निबंध संग्रहों की रचना की। इसके बाद यदि हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों अन्य प्रमुख निबंधकारों की, उनमें डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, दिनेश नंदिनी डालमिया, विनय मोहन शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नलिन विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे इत्यादि अनेक निबंधकारों ने भी अपनी निबंध रचनाएं प्रस्तुत की और हिंदी साहित्य में निबंध विधा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा प्रश्न था, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास चार चरणों में चला, ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। वर्तमान समय में भी हिंदी साहित्य में लेखक तत्कालीन मुद्दों को लेकर, तत्कालीन स्थिति को लेकर निबंधों की रचना कर रहे हैं और निबंध साहित्य एक विकासमान परंपरा के रूप में हमारे साहित्य में विद्यमान है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न से लेकर किसी भी विद्यार्थी के मन में यदि कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर आपको जो फोन नंबर दिए गए हैं उनके माध्यम से आप अपने प्रश्नों के हल पूछ सकते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपके पास सभी ई लर्निंग लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जो प्रश्न हैं, जिन पर हमने ई व्याख्यान दिए हैं, उनके माध्यम से आप अपने सिलेबस को दोहराने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।